नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से, और आज हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डू लूप के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है सर, चलेगा। तो डू लूप में हम बात कर रहे हैं कि डू वाई लूप, डू एंड लूप बात करेंगे, लेकिन हम एक प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। याद है हमने आपको जब शुरुआत में लूप पढ़ाई थी तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि एक फाइल के अंदर में कई सारे सीड्स हैं, उनकी डेटा को एक सीड पे कॉपी पेस्ट करना। याद अमित जी? अमित जी कि मेरे पास अगर एक कई सारे सीड्स में डेटा एक फाइल के अंदर है तो हम फोर लूप की मदद से उसको कॉपी करके एक सीड में एक के नीचे पेस्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी फाइल, हमारा जो सिस्टम, हमारे पास जो फाइल है, जो डेटा है, वो एक फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीट पे नहीं, वो एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे है। और हमें क्या करना है, हर फाइल को ओपन करना है, कॉपी करना है, फिर आके डेटा में पेस्ट करना है। पर प्रॉब्लम क्या है कि फाइलों के नाम क्या है, फाइलों के एक्सटेंशन क्या है, और फाइलों के काउंट कितनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको याद होगा कि एक्सेल में हमारे पास एक क्वेरी होता है गेट एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें हमारे पास फ्रॉम फाइल अगर 2016-18 यूज कर रहे हैं, 19 यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आप फ्रॉम फोल्डर से फाइल का लिस्ट मंगा सकते हैं। एक फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल्स है, इसका लिस्ट आप इजिली मंगा सकते हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूं आज कि एक फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन का, या ओवरऑल उसका एक लिस्ट हम क्रिएट करना बनाएंगे। अगर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसको डेटा को कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेल में कैसे करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं डी ड्राइव में गया और डी ड्राइव में मान लीजिए मैं यही इसी फोल्डर में जाता हूँ, एक्सेल के मैं डेटा मेनू बार वाले फोल्डर में आता हूं और इसको कॉपी करता हूं और फिर इसमें मैं पेस्ट कर देता हूं एंड ओके। ये तो लिस्ट आ रहा है इससे, किससे, गेट ट्रांसपोज से, लेकिन मैं वीवीए के थ्रू करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसको माइक्रो के अंदर डालना है। क्योंकि हमें सिर्फ लिस्ट से मतलब नहीं है, हमें उस लिस्ट को वन बाय वन और फाइल को वन बाय वन ओपन करना है और उसके डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए हमें लिस्ट नहीं चाहिए। ये लिस्ट जो निकला, ये लिस्ट नहीं चाहिए हमें, ये लिस्ट वीवी के थ्रू चाहिए, नॉर्मल इसके थ्रू नहीं चाहिए। तो विजुअल बेसिक पे जाएंगे, एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूं मैं और यहाँ पे सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड देन हम यूज करेंगे यहाँ पे लूप, यहाँ पे डिम आर एज ए, हमने यहाँ एफ एन करता हूँ, माफ कीजिएगा, एफ एन एज ए स्ट्रिंग, जरूरी नहीं कुछ भी कर सकता लेकिन मैं एफ एन बराबर यूज करता हूँ इसमें, इसलिए एफ एन लिया। तो एफ एन यहाँ पे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और फिर यहाँ पे हमें अपना पाथ देना हो, और पाथ में एक्सटेंड अगर कोई ओवरऑल चाहिए तो स्टार डॉट स्टार, अगर एक्सटेंशन है कोई कि एक्सएलएक्स चाहिए, एक्सएलएक्स का फाइल चाहिए, एक्सएलएस तो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वीवी नॉम, तो इनडायरेक्ट क्या है, एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक पर्टिकुलर फाइल को, या एक मतलब फाइल का यहाँ पे नाम का पूरा पार्ट नहीं, थोड़ा तो पार्ट भी दे सकते, जैसे मैं फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम दे दिया, बीच का नाम दे दिया, कंटेन स्टार्ट एंड विद स्टार्ट, स्टार बटन के साथ जो सर्चिंग में हम करते हैं वो चीज हम यहाँ कर सकते हैं। तो अगर फाइल का अभी क्या है कि एफ एन के ऊपर एक ही फाइल स्टोर करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेंस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन, तो ये क्या करेगा, एक फाइल का नाम डाल देगा। अब मुझे इसमें दूसरा फाइल चाहिए,
तो दूसरा फाइल के लिए हमें वापस फिर से fn फॉर्म डायरेक्टरी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, हमें रिलोड करना पड़ेगा। तो fn इक्वल टू dir, तो dir लोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, फिर dir। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि इस तरह की चीजें तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ फाइल हैं। हम dir करते चले जाएं तो हमें नहीं पता कि 5 से 10। मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूं, पहला फाइल दे दिया, दूसरा फाइल क्या कर रहा है? रेंज एक्सलेस नाम का फाइल नहीं मिला, एक्सलेस एम करता हूं। एक्सलेस एम की फाइल आ गई, एक्सटेंशन होना चाहिए। अब एक्सलेस एम है, एक्सलेस एस है, मुझे नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे भी स्टार लगा दीजिए। तो क्या क्या होगा कि आप एक्सलेस की फाइल आएगी, एक्सलेस एम की भी आएगी, दोनों का फाइल आपके यहाँ आ जाएगा, दोनों फाइल आपके यहाँ पे एक्सलेस भी आ गया ना। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर 10 हो 20 हो कैसे पता चलेगा? तो मुझे इसको लूप में इस्तेमाल करना है, इसको अंदर लूप देना है। अब लूप में प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पे फोर लूप तो लगा नहीं सकता कि मैं कर दूं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 10। तो ये 10 बार चलेगा और 10 फाइलों का नाम दे देगा, लेकिन हो सकता है कि फाइल 10 से ज्यादा हो। फिर तो हमें यहाँ पे स्टार्ट और एंड का कोई चक्कर नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितने फाइलें हैं। तो यहां पे हम देंगे कंडीशन, क्या देंगे? कंडीशन। तो कंडीशन है जब तक फाइल मिलता रहे तब तक चले, जब फाइल नहीं मिलेगा लास्ट हो जाएगा तो dir fn को ब्लैंक देगा, मतलब कुछ नहीं देगा। तो dir क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि जब तक fn पे ब्लैंक स्टोर नहीं हो रहा है तब तक हमारे इस दोनों लाइन को रन करते रहे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे do while fn not equal to blank, और यहां पे दे देंगे हम लूप। जैसे नेक्स्ट होता है ना, ऐसे यहां पे लूप होता है। तो क्या होगा कि अगर dir के अगर फोल्डर में 5 फाइलें हैं तो dir अपने पास 5ों का रिकॉर्ड रख लेगा और एक फाइल यहां पे दे देगा। फिर डू वाइल चेक करेगा कि fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक है ना, अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो इसको क्या करेगा, सीट पे टाइप करवा देगा। फिर fn क्या करेगा, fn फिर dir क्या करेगा कि दूसरे नंबर फाइल को इस पे स्टोर कर देगा। फिर वाइल चेक करेगा कि fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक है ना, हाँ ब्लैंक। फिर दूसरे नंबर फाइल उसके नीचे लिखेगा, फिर dir क्या करेगा, फाइल नंबर 3 यहाँ दे देगा। फिर आपका डू वाइल क्या चेक करेगा कि fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक है ना, फिर यहाँ पे फाइल नंबर 3 का डाल देगा। देन दैट फाइल नंबर 4 चेक करेगा भाई fn है ना, फाइल नंबर 5 सेम चेक करेगा, टाइप करेगा, चेक करेगा। जैसे फाइल नंबर 6 की बात आएगी तो फोल्डर में तो सिर्फ 5 ही फाइल है, तो dir छठे बार में तो ब्लैंक ही देगा ना इसको। जब ये ब्लैंक देगा वाइल चेक करेगा कि हाँ fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि ये ब्लैंक हो गया, इक्वल ब्लैंक हो गया है, तो सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। तो एक कंडीशंस के ऊपर चलता है। तो जितने भी फाइल के लिस्ट है वो नाम यहां पे देगा। अब मुझे इन फाइलों का लिस्ट से मतलब नहीं है, मुझे इन सारे फाइलों को 1 by 1 ओपन करना है और इसका डेटा कॉपी करके लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रफली बताता हूं लेकिन फिर आपको करना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि var books dot open, क्योंकि जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तब तक डेटा कॉपी नहीं करेंगे, और ओपन करने के लिए फोल्डर का पाथ तो हमारे पास है ही यहाँ पे, हम इस फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम ampersand क्या करेंगे, fn फाइल ओपन हो गया। अब जिस सीट पे डेटा है, शीट्स,
अब सीट का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही सीट है, एक ही सीट पे डेटा है, देन हमने लिख दिया रेंज यहाँ पे डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, या सिलेक्शन का और भी मेथड है एज पर योर डेटा आप चूज कर सकते हैं। कॉपी, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे कि वर बुक्स और आपका जिसमें डेटा कॉपी हो रहा है कि डेटा सॉरी यहाँ पे डेटा डॉट डेटा में यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया डॉट XLS X AM जो भी आपका एक्सटेंशन है उसमें उसको एक्टिवेट करें, उसके शीट्स डेटा वाले शीट्स पे जाएगा, फिर उसको सबसे लास्ट में आएगा, डॉट एंड XLS up dot offset 1,0 dot paste special और उसको पेस्ट कर देगा। अगर वैल्यू करना है तो पेस्ट स्पेशल में आप चूज कर लीजिए कि वैल्यू करना है या फिर नॉर्मल करना है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे लिखेंगे हो गया, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, जो कॉपी चलते रहता है उसको स्केप कर देते हैं। उसके बाद वर्क बुक्स और इसमें fn डॉट क्लोज, क्योंकि सारे फाइल ओपन, अगर 100 फाइलें हैं तो 100 फाइल ओपन हो जाएगी तो सिस्टम आपका हैंग होने लगेगा ना, इसलिए हमने कॉपी करवाया और फाइल को बंद कर दिया, ट्रू कर दीजिए सेव करके बंद करना है तो, या फॉल्स कीजिए अगर आपको अनसेव करके बंद करना है। देन DIR अगेन फाइल ओपन करेगा, चेक करेगा, फिर फाइल को ओपन करेगा, सीट नंबर वन पे जाएगा, डेट कंट्रोल लेकर के डेटा कॉपी करेगा, फिर हमारा डेटा वाले शीट को एक्टिवेट डेटा वाले फाइल पे आएगा, डेटा वाले शीट पे आएगा, सबसे लास्ट पे जाके पेस्ट स्प्रेड कर देगा, कट कॉपी मोड को फॉल्स करेगा एंड फिर फाइल को क्लोज कर देगा। यही प्रोसीजर जितने भी नंबर ऑफ फाइल है सारे फाइल पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर? हेलो, यस सर। ये तो मैंने आपको रफली बताया, अब आप क्या करेंगे इसको एक रियल डेटा पे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट सर? एक कोड मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देता हूं, आपको क्या करना है इस कोड को रेफरेंस में लेते हुए आपको क्या करना है एक रियल डेटा पे इसको इंप्लीमेंट करना है। सर एक ग्रुप में मेरे को ऐड कर दो ना। सर मैं ऐड कर दूंगा, माइल्स होगा सिस्टम, इस सिस्टम से नहीं होगा, मैं कर दूंगा सर, भेज दिया मैंने। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम डू वाइल और डू अनटिल के बीच में जो फर्क है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर।